नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार काफी कुछ अलग देखने को मिल रहा है। बता दें कि लालू यादव के हाई प्रोफाइल साले साधु यादव इस बार राजद के साथ नहीं है और चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं, ये आपको बताते हैं। जीजा लालू यादव और बहन राबड़ी देवी का साथ नहीं मिला है तो बहन मायावती का साथ इस बार थामे हैं। मायावती का हाथ थामे हैं, हाथी की सवारी करने निकले हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव उर्फ अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने बतौर मायावती की बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन कर दिया है। बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में दमखम दिखा रहे साधु यादव ने शुक्रवार को पूरे दमखम के साथ अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, लेकिन गोपालगंज जिला प्रशासन उनके ऊपर नगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज करा दिया। यह प्राथमिकी सदर सीओ विजय कुमार सिंह ने दर्ज कराई। उनके ऊपर आरोप है कि उनके द्वारा पूरे शहर में बिना इजाजत के रैली निकाली गई और घंटों मजमा लगाया गया। शुक्रवार को गोपालगंज में नामांकन करने का आखिरी दिन था। सभी दलों और निर्दलीय प्रत्याशी गोपालगंज जिला समरणालय में नामांकन करने पहुंचे थे। आरोप है कि साधु यादव उर्फ अनिरुद्ध प्रसाद यादव ने नामांकन करने के दौरान पूरे शहर में हजियापुर से लेकर मनिया चौक तक रैली का आयोजन किया। इस रैली में करीब 300 से 400 लोग शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं साधु यादव जो है वो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आए, जिसके कारण उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराया गया। साथ ही आपको बता दें, कोरोना को लेकर के भी कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जिस गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना है चुनाव के दौरान। और आपको बता दें, बिना मास्क के 300 से लेकर के 400 लोगों को उस रैली में उन्होंने शामिल किया था, जिस कारण से ये प्राथमिकी दर्ज की गई है। दरअसल सदर सीओ विजय कुमार सिंह ने बताया कि साधु यादव के द्वारा रैली के लिए इजाजत नहीं ली गई थी। चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है और पूरे जिले में धारा 144 लगाई गई है, जिसकी वजह से बिना इजाजत के कोई भी सभा या जुलूस करने की अनुमति नहीं है। लेकिन साधु यादव के द्वारा ये रैली निकाली गई, जिसे लेकर उनके ऊपर केस दर्ज कराया गया है। इस बीच अपने बचाव में साधु यादव का कहना है कि उनके द्वारा कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया गया है, उनके द्वारा सिर्फ एक गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। अब नामांकन भरने के दौरान जनता का समर्थन और भारी भीड़ उनके साथ चलने लगी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। साधु यादव ने कहा कि उनके साथ भारी भीड़ देख सरकार में बैठे लोग ऐसे प्राथमिकी दर्ज करवा रहे हैं। और बैकुंठपुर में भी खड़े हैं, गोपालगंज में हम प्रत्याशी हैं, सब आप लोगों को पता है। और गोपालगंज में जो 15 वर्षों से जो विकास का काम नहीं हुआ है, ये सब आदमी संकल्प लीजिए, सब आदमी संकल्प लीजिए। ये खाली साधु यादव का चुनाव नहीं है, बीएसपी का चुनाव नहीं है, ये उपेंद्र कुशवाहा जी का चुनाव नहीं है, ये गोपालगंज के सबका चुनाव है। और ये चुनाव में जब आप जीतेंगे तो आप ही जीतेंगे, आप ही हारेंगे। इसलिए ये जीत को ये आप चुनाव जीतिएगा तो यहाँ जो बेगारी है, बेरोजगारी है, ये सब खत्म होगा। यहाँ हमने अस्पताल बनाया, हमने ब्लड बैंक बनाया, आँख का अस्पताल बनाया, अम्बेडकर भवन बनाया, मैरिज हॉल बनाया, सभी कॉलेज में पैसा दिया और लाइट लगवाया, गोल चक्र भी बनवाया, गांधी जी का मूर्ति लगवाया, बाबा साहब अम्बेडकर का वहाँ अस्पताल मोड़ पर लगवाया, यहाँ कमला बाबू को बनाया, हजियापुर में गांधी जी का मूर्ति लगवाया और अरार मोड़ पर कर्पूरी ठाकुर का मूर्ति हमने लगाया। गोपालगंज के सम्मान में, गोपालगंज के सम्मान में, और हमने जिला में जब एमपी रहे तो फजलापुर हाई स्कूल बनवाया और वहाँ बामू में
जो हाई स्कूल है लोहिया जी के नाम से और नहीं गिनाते हैं, और रामचंद्रापुर हाई स्कूल बनवाया, जादवपुर हाई स्कूल बनवाया, बीएमएच को बाउंड्री करवाया, थाना को बाउंड्री करवाया, नीलगंज थाना को बनवाया, डीएम के इलाका में 20 लाख का किसान भवन बनवाया, सबको पता है, गांव में सामुदायिक भवन भी हमने दिया, गाँव और पुल भी हमने बनवाया, वहाँ जादवपुर वाला बेतिया से जिला गोपालगंज को ये हमने पुल बनवाया, आज विकास दूसरे हमने प्रधानमंत्री सदस्य बनाया था, अच्छा हमने गोपालगंज छोड़ा है, गोपालगंज का विकास वही हो गया है, इसलिए गोपालगंज के विकास के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और सबके सम्मान के लिए गोपालगंज के विधानसभा को तमाम भाइयों से मेरा अपील है, आग्रह है सभी पार्टी फॉर्मों का खाली शादी जैसे का नहीं है, गोपालगंज के एक 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 नौजवान का, एक एक फर्म के लोगों का, सबका सब भाइयों का, चाहे वो दलित हो, चाहे वो महतो हो, चाहे पिछड़ी जाति के हो, चाहे अगली जाति के हो, चाहे अल्पसंख्यक का चुनाव हो, या जादव जी का हो, या कुशवाहा जी का हो, या हमारे तेली समुदाय के भाई हैं, सभी जातियों का सबका ये चुनाव है, और जब हम आप हम जीतेंगे तो आप जीतेंगे और आप जीतेंगे तो हम जीतेंगे, एक साथ है सब सभे सब साधे सब जाए एक साधना करिए और जीत आपकी पक्की है, आज के भीड़ से आज के अपने से तमाम हमारे भाई आए हैं और सब देखे हैं जोश है, आए नहीं है जोश के साथ आए हैं और जोश बताता है कि ये सीट जो है आपके आपके पास आपके झोली में जा डीएसपी के हमारी बहन मायावती जी अग्रणी और ये जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं महेश जी लियाज जी और इम्तियाज अली जी और दिलशाद भाई भी है यहाँ पर यहाँ बहुत हाँ बाबर अली जी हैं सब लोग हैं यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम आपस में भाई भाई कंधा से कंधा मिला करके आगे चुनाव को सभी समाज के लोगों का ये जीत होगा। वे चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। साधु यादव ने कहा कि उनके द्वारा गोपालगंज में सदर अस्पताल से लेकर कॉलेज ब्लड बैंक से लेकर के अम्बेडकर भवन तक की स्थापना की गयी, वो विकास के कार्यों को आगे बढ़ाए हैं अपने क्षेत्र में। बहरहाल साधु यादव के बसपा के टिकट से लड़ने से गोपालगंज में चुनाव रोमांचक हो गया है। यहां बीजेपी विधायक सुभाष सिंह के अलावा महागठबंधन में कांग्रेस प्रत्याशी आसिफ गफूर और बसपा से साधु यादव चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किसे चुनती है, बीजेपी कांग्रेस या फिर बसपा। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।